देखो, जो लास्ट क्लास चल रही थी हमारी डीबीएमएस की, उस क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिकली ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करे जाते हैं। एक्चुअली हम ये थियोरेटिकल चीजें तो पढ़ते रहते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन क्या होती है, सीरियल नॉन सीरियल क्या होती है, कंकरेंसी क्या होती है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इनको, वो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। भाई आपने ये कमांड पढ़ी है कि सब लैंग्वेजेज होती हैं हमारे पास, पांच टाइप की सब लैंग्वेजेज होती हैं एसक्यूएल में, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल। तो उसमें जो टीसीएल है, ये टीसीएल की फुल फॉर्म ही हमारे पास क्या होती है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर जो कमांड है, जैसे हमारे पास कौन सी कमांड होती है इस लैंग्वेज के अंदर, कि हम बात करते हैं भाई रोल बैक की, बात करते हैं कि रोल बैक होता है, सेव पॉइंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कमिट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरीके से काम करती हैं, ये हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये कमांडें काम कैसे करेंगी, कि भाई हमने क्या रोल बैक कर दिया तो हमारे पास अंडू हो जाता है, जो भी हमने चेंजेस करा वो वापस आ जाएगा, और कमिट करने से परमानेंट सेव होता है। क्या इसका सिस्टम है, आपने अगर प्रैक्टिकली एसक्यूएल करा होगा तो एसक्यूएल में हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे आप एसक्यूएल करते हो तो सबसे पहले कमांड में देख लेते हैं भाई 100 डेटाबेसेस लगा के देख लिया कौन कौन से डेटाबेस हैं। अगर हमारे मतलब का कोई डेटाबेस पहले से नहीं बना हुआ तो हम क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जैसे एबीसी आपने लिख लिया, अब डेटाबेस बन गया, यूज करते हैं फिर उसको, ठीक है। मान लिया एबीसी नाम का डेटाबेस, तो यूज एबीसी लगाई, वहां पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आपने ये टेबल वगैरह सब डेटाबेस वगैरह बनाया, उसमें कंटेंट भी स्टोर कर दिया, मान लिया आज किया, 2 दिन बाद आप ओपन करके देखोगे इसी डेटाबेस को, तो आपको वो कमांड, वो मतलब वो टेबल, उसका कंटेंट एज इट इज मिलेगा जैसे आपने रखा था। तो मतलब आपने तो कोई कमिट कमांड का यूज भी नहीं किया, लेकिन तब भी वो कमिट हो गए, वो तो परमानेंट ही सेव है। जब आपने कोई कमांड चलाई, कोई डेटा टेबल के अंदर इनपुट कराया, और वो डेटा आपने बस इंसर्ट की कमांड लगा दी और फिर बंद कर दिया अपना एसक्यूएल को, माई एसक्यूएल को आपने बंद कर दिया, और फिर 4 दिन बाद आके देख रहे हो आप, तब भी आपको मिल रहा, तो आप कहोगे ये कमिट का यूज ही क्या है भाई, ये तो हमारे पास इसी तरह से बन गई, क्या है ये ट्रांजेक्शन मतलब, ठीक है। तो आप रोल बैक करके देखोगे उसको, तो रोल बैक वो होगी नहीं, ठीक है, मतलब जितना हो गया डेटा उतना ही रहेगा, रोल बैक का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब है क्या, ये काम कैसे करती है, इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, तो वो अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं आज की क्लास में पहले। हाँ, अरे ये सोचा था ये कभी तो वही नहीं वर्क करेगा क्या, जैसे गेट वगैरह में वर्क करता है कि मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो देखो भाई, ये जो है हमारे पास कमिट या रोल बैक वगैरह, ये कब काम करती है, नॉर्मल उसमें तो हम देख रहे ऑटोमेटिक सारी चीजें सेव हो जा रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ट्रांजेक्शन की, ठीक है, तो रोल बैक ट्रांजेक्शन को किया जाता है, ठीक है, रोल बैक ट्रांजेक्शन को किया गया, जो हमारे पास कमांड आप नॉर्मली लिख रहे हो बिना ट्रांजेक्शन के, वो इंडिविजुअल कमांड है एक, वो किसी ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है। ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कमांड्स होंगी, यानी यहाँ पे तो सेट ऑफ, जैसे हमने बताया था बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेटमेंट होती है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ट्रांजेक्शन होती है, तो यहाँ पे जैसे हम कमांड्स करते हैं तो बहुत सारी कमांड्स का एक सेट जो होगा वो एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो उन कमांड्स को अगर एक ट्रांजेक्शन के अंदर रखें, फिर उन पे रोल बैक लगाएं, ठीक है, फिर उन पे कमिट वगैरह लगाएं, तो काम करेंगे वे। तो ये समझते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। देखो, पहला काम तो हमारा यही होगा कि ट्रांजेक्शन बनती कैसे है, ये पता होना चाहिए। तो कोई बच्चा बताएगा कि भाई ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं,
अगर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट करनी है कौन सी कमांड होती है प्रियंका, बोलता हूँ स्टार्ट ट्रांजेक्शन, और बंद करने के लिए ट्रांजेक्शन को ये हमारे पास स्टार्ट ट्रांजेक्शन है, ये हमने एक कमांड यहाँ पे लगाई, तो इस कमांड के बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, इसके बाद जो भी आप क्वेरी लिखोगे वो सब इस ट्रांजेक्शन के अंदर चली जाएगी, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर चली जाएंगी वो सारी की सारी क्वेरी, और उसके बाद जो भी मतलब आप जब तक कमिट करेंगे इसको, तो ये ट्रांजेक्शन चल रही है हमारे पास, उसमें रोल बैक वगैरह सारी चीजें हम यूज करेंगे। तो पहले हम एक ट्रांजेक्शन बनाना सीखेंगे किस तरीके से ट्रांजेक्शन बनती है, और उसके अंदर कैसे हम रोल बैक कमिट सेव पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है सेव पॉइंट के बारे में, ये सेव पॉइंट कमांड क्या है, ठीक है, तो क्योंकि रोल बैक जो होता है वो सेव पॉइंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे कैसे, जैसे मान लिया आपने एक ट्रांजेक्शन बनाई है T1 नाम की ट्रांजेक्शन बनाई है, इस ट्रांजेक्शन में आप कुछ कमांड लिख रहे हैं क्वेरी लिख रहे हैं, मान लिया पहली क्वेरी है वो I1 है, दूसरी I2 I3 इस तरीके से चल रहे, एक I20 I50 I70 और इसी तरह से मान लिया I100 तक आपने कुछ क्वेरी लिखी कमांड लिखी, एक ट्रांजेक्शन के अंदर 100 कमांड लिखी है आपने। अब देखो मान लिया हमने I99 तक कमांड चलाई, ये सारी कमांड सही है, ठीक है, हम चलाते जा रहे एग्जीक्यूट होते जा रहे, जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया अब हमें पता चला कि भाई जो हमारे पास 51 नंबर वाली क्वेरी थी वो हमने गलत चला दी थी क्वेरी, जिसकी वजह से क्वेरी तो चलती रही एग्जीक्यूट होती रही सारी की सारी, लेकिन जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट कुछ और आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक की जो 50 नंबर तक की क्वेरी चली थी हमारे पास इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा रिजल्ट चाहिए था उसी तरीके से चली, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ गलत डेटा अपडेट कर दिया, उसकी वजह से आगे का सारा डेटा हमारे पास गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाके अब रोल बैक लगाते हैं तो रोल बैक से क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन रोल बैक करेंगे तो वापिस हम इसी पॉइंट पे आ जाएंगे यहाँ पर जहां से ट्रांजेक्शन शुरू होती है। तो अगर आपको देखना है कि भाई हम यहाँ पर वापिस आ गए हैं तो हमारे पास जो ये 50 क्वेरी जो सही थी वो भी बेकार होगी ना, रोल बैक हो गई, ठीक है, तो वो भी बेकार हो जाएंगे, मतलब इतनी मेहनत जो हमने 50 क्वेरी के लिए करी थी वो भी आपकी बेकार, वो भी आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, कुछ सेव पॉइंट बना देते हैं, जैसे हमने मान लिया सेव पॉइंट बना दिया एक यहाँ पर, एक सेव पॉइंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है, तो एक सेव पॉइंट बना दिया यहाँ पर, इनके नाम रख दिए कि भाई ये सेव पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको पता कि भाई 50 तक मेरे पास सही है, 51 में गड़बड़ हुई, तो आप रोल बैक करोगे कहां पे, बी पे रोल बैक कर दो। तो अब क्या होगा, 50 तक सही है, 50 वाले पे बना हुआ था सेव पॉइंट, तो 50 तक एज इट इज रहेंगी, उसके बाद वाली ही रोल बैक होंगी, ठीक है। ये सेम इसी तरह से काम करता है जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हो रिस्टोर पॉइंट बने होते हैं, कभी कभी मान लिया आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सिस्टम को रिस्टोर कर लेते हो, तो उसमें रिस्टोर पॉइंट बने होते हैं, वो बताता है कि इस डेट से रिस्टोर करना या इस डेट से करना, जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर डेट से, मान लिया आपने सेलेक्ट कर ली 13 अप्रैल 2024 की डेट, ठीक है, आज है हमारे पास 19 अप्रैल, तो सेव पॉइंट या रिस्टोर पॉइंट एक बना हुआ है 13 अप्रैल का, तो आपका ये रिस्टोर हो जाएगा 13 अप्रैल, मतलब 13 अप्रैल से पहले जो सिस्टम में था वो रहेगा, इसके और इसके बीच में जो भी काम हुआ वो सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लिया इस ड्यूरेशन में आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आपको वापिस लेके जाना आपका डेटा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही अभी शुभम बोल रहा था कि जैसे हम गिटहब पे करते हैं, वहां पर क्या होता है, वर्जनिंग होती है, गिटहब वगैरह पे हम अपने प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, या अपना सॉफ्टवेयर होता है
जब वो लोड करते हैं उसमें मल्टीपल टीम साथ साथ काम करती रहती है। अब मान लिया हमने इस पॉइंट तक काम कर लिया, सारा काम सही है, इस पॉइंट तक काम कर लिया सही है, ये वर्जन 1 निकाल दिया, ये वर्जन 2 निकाल दिया, जैसे अपडेट निकालते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर की, ये पहले वाला वर्जन आया, ये दूसरे वाला वर्जन आया। अब मान लिया यहाँ पे हमने एक तीसरा वर्जन लॉन्च कर रहे थे लेकिन उसमें इशू आने लगे, जो कस्टमर है उनको वो समझ में नहीं आए, सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो वापस से ओल्ड वर्जन पे जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रोल बैक करके इस पे चले जाएंगे, तो बैकअप पॉइंट बने होते हैं, वहां से रिस्टोर कर सकते हैं हम चीजों को ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक TCL कमांड है, इन कमांड के थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, इनको हम समझेंगे कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं सारी चीज। तो प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं MySQL। चलो देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कोई डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है क्या, तो हम कमांड लगाते हैं सो डेटा बेसिस ठीक है, एंटर करेंगे। अभी मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया तो ये काम नहीं करेगा, जब तक सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी तो हम सेमी कोलन से करते हैं। ये डेटाबेस हमारे पास बने हुए हैं, आपको कोई नया डेटाबेस बनाना तो हम कमांड लगाते हैं क्रिएट डेटाबेस की, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, जैसे हमने नाम लिख दिया मान लिया DSSP, ये हमने एक डेटाबेस बनाया। अब इस डेटाबेस को यूज करना यानी इस डेटाबेस के अंदर एंटर करना, तो यूज DSSS लिखेंगे और एंटर कर देंगे। यूज वाली कमांड जो होती है उसमें सेमी कोलन जो है वो ऑप्शनल होता है, आप सेमी कोलन लगाओ या ना लगाओ वो तब भी काम कर जाती है ठीक है, लेकिन जो सो वाली थी उसमें या क्रिएट वाली उसमें हमें करना पड़ता है ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई एक टेबल बनाते हैं, जैसे मान लिया हमने एक टेबल बनाई क्रिएट टेबल EMP, और इस टेबल में हम दो कॉलम बनाते हैं, एक ID इंटीजर में और एक एज इंटीजर में ठीक है, ये हमने यहाँ पे रखी। इस टेबल की स्ट्रक्चर अगर हमें देखनी तो हम डिस्क्राइब लिख देंगे या DESC लिख देंगे, उसके बाद टेबल का नाम है हमारे पास EMP और एंटर करेंगे ठीक है, सेमी कोलन यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरीके से काम करता है ठीक है। अब देखो ये टेबल बन गई है, इसमें दो इंटीजर टाइप के हमने कॉलम लिए हैं, एट्रीब्यूट लिए हैं। इस टेबल के अंदर अगर हमें डेटा देखना है क्या डेटा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम कमांड इंसर्ट करेंगे, पहले तो अभी है ही नहीं, सेलेक्ट कमांड से हम चेक कर सकते हैं, तो इंसर्ट कर लेते हैं हम पहले इंसर्ट इनटू वैल्यूज, और एक आईडी की एज कर दी हमने 20 और कॉमा जिसकी आईडी 2 थी उसकी एज कर दी हमने 30, ये हमने कर ली। यहाँ पर टेबल का नाम रह गया इंसर्ट इनटू EMP, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया ठीक है। वैल्यूज लिखो या वैल्यू लिखो, अब सेलेक्ट करके देख लेते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये हमारे पास डेटा आ गया है। अब देखो इस डेटा में अगर मैं यहाँ पे रोल बैक करता हूँ, रोल बैक करने पे क्या मेरे पास जो डेटा हमने लिखा या एक बनाया जो भी हमारे पास डेटाबेस है टेबल है, क्या वो रोल बैक हो जाएगी, हट जाएगी? मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो अभी हमारे पास टेबल थी वही की वही टेबल हमारे पास है ठीक है। तो हमारे पास रोल बैक का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, अगर उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद हम उसको दोबारा से ओपन करते हैं ठीक है, तो क्या हमारे पास जो हमने चेंजेस करे थे टेबल बनाई थी वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो परमानेंटली सेव हुई है या नहीं हुई है? तो हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं DSSS, तो यूज हो गया, डेटाबेस चेंज हो गया हमारे पास। हम सो टेबल्स की कमांड लगाते हैं, तो इसके अंदर जो टेबल हमने बनाई थी EMP वो टेबल भी है। इस टेबल के अंदर डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं फ्रॉम EMP, तो ये हमारे पास डेटा भी है। तो हमने कोई कमिट की कमांड नहीं लगाई लेकिन तब भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिक परमानेंटली सेव हो रहा है हमारे पास डेटा। ना ही हमने यहाँ पर कोई रोल बैक लगा के देखा, उससे कोई फर्क पड़ा हमारे पास ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, इंडिविजुअल कमांड हमारे पास चली थी। ट्रांजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको स्टार्ट करनी तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कमांड लिखते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन
ठीक है, ये हमने यहाँ पे कमांड लिखी तो एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई। तो इसके बाद जो भी आप कमांड लिखेंगे वो हमारे पास क्या होंगी, वो इस ट्रांजेक्शन का पार्ट रहेंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मान लिया मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ इस टेबल के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने इस टेबल में जैसे एज है 20 उसको 25 करना, तो क्वेरी लगा दी मैंने अपडेट। अपडेट के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं टेबल का नाम ईएमपी, सेट कर दी हमने एज कितनी 25, ठीक है, किसकी एज 25 कर दी, वेहर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आप सेलेक्ट करके देखोगे तो हमारे पास एज कितनी आ गई है 25 आ गई है। आप यहाँ पे रोल बैक की कमांड लगाते हैं, एंटर करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं तो वापस से 20 हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि हमारे पास जो डेटा अपडेट हुआ था हमने करा था वो रोल बैक करने से वापस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कमांड रोल बैक करने से वापस हुई, ये कब हुई, जब हमने क्या लिखा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखा। जब तक हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहे थे तो आप रोल बैक लगा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम दोबारा से अपडेट करते हैं, अभी हमने देखी कि एक ही क्वेरी हमारे पास रोल बैक हुई, क्या मल्टीपल क्वेरी भी रोल बैक हो सकती है। जैसे मान लिया जिसकी एज हमारे पास 30 है उसकी एज में 32 करना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी आईडी कितनी है, 1-2 कर देते हैं, इसकी आईडी है 2, ये कर दी। अब सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये 25 और 32 होगी, फिर से रोल बैक करते हैं और रोल बैक करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आई है, 25 और 32 ही आ रही है, ठीक है। अब हमने जब रोल बैक करा तो 25 और 32 अब कोई फर्क नहीं पड़ा, जब दोबारा से रोल बैक करा क्यों नहीं पड़ा भाई, पहले वाले पे तो हमारे पास हो गया था। जैसे ही आपने रोल बैक करा तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन वाला जो सिस्टम था वो भी हमारे पास क्या हो गया, वो भी रोल बैक हो गया, वहां वो पूरी ट्रांजेक्शन वापिस होगी, खत्म होगी। मतलब रोल बैक करने से क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन खत्म, भाई यही तो करते हैं। जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास मान लिया आई वन से शुरू हुई हमारे पास और हमने कितने भी चला ली, तो उसमें कहा जाता है ऑटोमेसिटी, आप पढ़ते हैं, या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ठीक है, या तो वो जीरो पे पहुंच जाएगी या वो होगी कंप्लीट होगी, तो वो जीरो पे पहुंच गई, वो खत्म होगी। अब इस रोल बैक का कोई असर आपके पास नहीं होगा, तो आपको ट्रांजेक्शन में, क्योंकि बीच में हमारे कोई सेव पॉइंट नहीं लगे हुए थे, ये खत्म होगी, अगर सेव पॉइंट बने होते तो ये चलती रहती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पे दोबारा से करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन करा, फिर से हमने अपडेट की क्वेरी चलाते हैं यहां पे, जो 25 से इसकी वो अभी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये रिया को ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करा, 25 और 32 है हमारे पास डेटा। अब अपडेट करते हैं, इसमें जो 32 है 32 वाले की एज वापस से हम क्या कर देते हैं, 30 कर देते हैं, और जिसकी एज हमारे पास 25 थी उसकी वापस से हमने क्या कर दी, 20 कर दी। तो अब सेलेक्ट करते हैं हम इसको तो हमारे पास 20 और 30 होगी। तो दो क्वेरी चलाई है अभी हमने रोल बैक के, उसमें फिर से हम रोल बैक करते हैं और रोल बैक करके एंटर करते हैं और चेक करते हैं तो वापस से 25 और 32 आ गई है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपने स्टार्ट ट्रांजेक्शन करा उसके बाद आप कितनी भी क्वेरी लिखो, अगर रोल बैक कर दिया तो वे सारी की सारी वापस, ठीक है, सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगी। अब हमें ये करना, यहाँ पे इशू यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक ट्रांजेक्शन है उसके बाद हमने 100 क्वेरी लिख दी, लेकिन हमें पता 51 नंबर वाली क्वेरी में प्रॉब्लम थी, 50 तक की सही थी, लेकिन रोल बैक करने पे तो वे 50 भी गायब हो जा रही है जो सही थी। तो हमें क्या करना, 50 तक रहे, 51 और उस 51 के बाद की बंद हो जाए, वो रोल बैक हो जाए मतलब। तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम सेव पॉइंट बनाते हैं। तो सेव पॉइंट
जो है जब भी ट्रांजेक्शन यूज करो, कमिट रोल बैक का सिस्टम करो, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अब पहले एक कमिट का चीज हम समझ लेते हैं कि कमिट अगर कर दिया तो फिर रोल बैक हमारे पास काम नहीं करेगा कमिट करने के बाद, ठीक है। तो वो भी हम समझ लेंगे कि किस तरीके से करेगा। सबसे पहले दोबारा से हम शुरू करते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन लगाया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके देखा अभी हमारे पास 25 और 32 है। इसके बाद हमने यहाँ पर 20 और 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 20 और 1 को बी एक वाली आईडी की एज 20 कर दी है। तो अब आप सेलेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे 20 हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कमिट कर दे रहे हैं, तो कमिट कर दिया आपने, सेमी कोलन लगा दिया, इसके बाद आप रोल बैक कर रहे हैं तो अब रोल बैक काम नहीं करेगा, वो एज आपको 20 ही मिलेगी, वापस से 25 नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे कमिट लगाया, तो कमिट करने पे अब हमारे पास वो वापस से नहीं आया है, रोल बैक नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान लिया एक और यहाँ पे अपडेट करता हूँ दोबारा से, एक नंबर वाली क्वेरी को यहाँ पे मैंने कर दिया वापस से 28 कर दिया, जिसकी आईडी 1 है उसकी एज 28 कर दी, एंटर करा, चेक करते हैं 28 होगी, रोल बैक करता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या मुझे 20 मिलेगी बताओ। अभी मैंने कमिट नहीं किया था, क्या मुझको 20 मिलेगी या 28 ही मिलेगी, अब सेलेक्ट करूंगा अगर रोल बैक के बाद, बताओ बेटा 28 मिलेगी। क्यों मिलेगी 28? क्योंकि हमारे पास कमिट करने पे जो ट्रांजेक्शन चल रही थी वो खत्म हो गई है, कमिट मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जब भी आप रोल बैक या कमिट कर दोगे तो जो स्टार्ट ट्रांजेक्शन आपने लगाई थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो किसी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करा जाता है, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन की कमांड लिखेंगे। जब ट्रांजेक्शन की सारी क्वेरी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्लीट होने के बाद आप कमिट कर देंगे तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगी, ठीक है। उसमें बीच में कुछ चेंजेस करने हैं तो रोल बैक से करेंगे, अगर आपने बिना सेव पॉइंट के करा तो रोल बैक मतलब जितनी भी क्वेरी लगाई सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर बीच बीच में से आपको करना तो आप सेव पॉइंट बना के करेंगे। तो अब हम पूरा मतलब जैसे आपको ट्रांजेक्शन बनानी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, वो पूरा स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमारे पास अभी फाइनली ये वाली टेबल है, हमारे पास एम्प्लॉय वाली टेबल की आईडी 12 है और एज 28-32 है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन हमने कर दी है। अब मैं यहाँ पे मान लिया कुछ नया डेटा ऐड करता हूँ, ठीक है, आप इंसर्ट अपडेट कुछ भी कैसी भी क्वेरी चला सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू हमने एक और ले ली, मान लिया यहाँ पे वैल्यू 3 ले ली और उसकी एज रख दी है 25, ठीक है, ये हमने कर दी। और यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारे पास एक तीसरी वैल्यू इसमें ऐड होगी, आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो 3 बन गई। इस पॉइंट पे मैं एक सेव पॉइंट बनाता हूँ, यानी इस टाइम पर जब हमारे पास इसका इंस्टांस जो है टेबल का वो क्या डिनोट कर रहा कि इसमें 3 टपल्स हैं, ठीक है। इंस्टांस का मतलब उसमें करंटली पर्टिकुलर टाइम पे कितना डेटा है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी 3 टपल हैं। अब मैं यहाँ पे सेव पॉइंट बनाता हूँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट कैसे बनते हैं, तो आप सेव पॉइंट वाली कमांड लिखेंगे। अब जैसे ही सेव पॉइंट वाली कमांड लिखी जाएगी उसमें आप बना देंगे कि सेव पॉइंट का नाम क्या लिखना है, जैसे ए बी सी जो भी आपको नाम लिखना है, तो सेव पॉइंट ए कर दिया आपने जैसे। तो अब हमारे पास जो अगर रोल बैक ए करेंगे, आप रोल बैक टू ए करेंगे, तो ए के बाद जो आप लिखेंगे वो रोल बैक होगा, इससे पहले वाला नहीं होगा। अगर रोल बैक कर दिया तो सारे ही रोल बैक हो जाएंगे, मतलब ये 3 नंबर वाला भी रोल बैक हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो भी करा वो। तो अब यहाँ पर हम एक और इंसर्ट लगाएंगे, इंसर्ट इंटू ई एम पी और वैल्यू हम डालते हैं 4, उसमें कर दी हमने 35 एज, ठीक है। यहाँ पर भी एक सेव पॉइंट बना लेते हैं, इसका नाम रख लिया हमने बी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और वैल्यू इंसर्ट कर ली 5 नंबर की,
और यहाँ पर एज कर दी हमने मान लिया 38, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इस पे भी हमने एक सेव पॉइंट बना लिया यहाँ पे सी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टेबल में क्या डेटा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये है हमारे पास, 28, 32, 25, 35 और 38 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रोल बैक लिख दूं तो हमारे पास क्या क्या, कितनी टपल बचेंगे, कौन कौन सी आईडी बचेंगी रोल बैक लिखने से, ओनली रोल बैक बताओ बेटा। फर्स्ट और सेकंड बचेंगे, हाँ रोहित सही बता रहे, फर्स्ट और सेकंड बचेंगे हमारे, अगर खाली रोल बैक लिखा। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुई, ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई थी हमारे पास यहाँ पर, इससे पहले हमारे पास फर्स्ट और सेकंड थे इसमें। तो जब हमारे पास रोल बैक लिखेंगे तो इस ट्रांजेक्शन के बाद जो भी काम हो रहा है, 3 नंबर वाली 4 नंबर वाली 5 नंबर वाली सब हट जाएंगी। अब अगर मैं रोल बैक लिखता हूँ सी पे, रोल बैक टू सी कर देता हूँ, तो सी के बाद में जो भी हुआ वो हटेगा, सी के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेव पॉइंट पे कैसे हम करते हैं रोल बैक, तो रोल बैक टू सी हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सी के बाद हमने कुछ किया ही नहीं था भाई, ठीक है। अगर रोल बैक टू बी कर देते हैं, यहाँ पे रोल बैक लगाते हैं टू बी, तो बी के बाद हमने 5 नंबर वाली आईडी ये एंटर करी थी, तो अब हमारे पास 5 नंबर वाली हट जाएगी इसमें से। अब आप सेलेक्ट करके देखोगे तो 4 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही रोल बैक टू ए कर दिया तो हमारे पास 4 नंबर वाली भी हट जाएगी, ठीक है। तो 3 नंबर तक ही रह जाएंगी अब हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अगर रोल बैक कर दिया तो 3 नंबर वाली भी हट जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं अब कर देता हूँ कमिट कर देता हूँ और उसके बाद रोल बैक करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे पास मेन कमांड है यहाँ पे वो कौन कौन सी है, TCL में स्टार्ट ट्रांजेक्शन ये वाली कमांड आपको लिखनी है। इसके बाद आप कोई भी क्वेरी चलाएं, यहाँ पे आपने क्वेरी Q1 Q2 Q3 Q4 क्वेरी आप चलाते जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे आप बनाते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कैसे बनते हैं कि कमांड लिखते हैं हम सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट का नाम जो भी आपको नाम लिखना। यहाँ पे कोई सेव पॉइंट बनाया तो सेव पॉइंट बी। अगर सेव पॉइंट पे हमें रोल बैक करनी तो क्या कमांड लिखते हैं, रोल बैक टू बी। अगर शुरू में ही आपने रोल बैक टू ए कर दिया तो आपका बी वाला सेव पॉइंट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ए कर दिया तो फिर वापस से रोल बैक बी नहीं कर सकते आप, तो इस ऑर्डर में कर सकते हैं जो बाद में करा, मतलब स्टैक की फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। सेव पॉइंट बी हमने करा ऐसे ही, वो रोल बैक करा बी पे, रोल बैक अगर आपको ए पे करना तो रोल बैक टू ए करेंगे, अगर कंप्लीट को रोल बैक करना तो रोल बैक, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर दें। अगर हमें कमिट करना तो हमारे पास कमिट, ये हमारे पास इस तरीके से ट्रांजेक्शन यूज करी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इस तरीके से किस तरह ये करना, इसकी प्रैक्टिस करके आप देखना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आप में से बहुत से स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते भी होंगे, ठीक है, तो वहां पर भी कॉलेजों में हमें भी नहीं बताई, बाकी को भी नहीं बताते ही है ये रोल बैक वगैरह, थियोरेटिकली पढ़ा देते हैं बस, इंसर्ट अपडेट डिलीट ड्रॉप वगैरह यही सब कमांड DML DDL करके काम हो जाता है कम्प्लीट, ठीक है। तो लेकिन आपको ये जब प्रैक्टिकली करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, वहां पे जरूरत होगी और आपके एग्जाम जो है एग्जाम में तो पूछी जा सकती है कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा इनको।